यही बोला यार, अब सरकार क्या जी रोके, लीक होते हुए पहाड़ों को रोके या लीक होते हुए पेपरों को रोके। सरकार को इसके खिलाफ ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वही नौकरी लग सकते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं वो भी नौकरी लग सकते हैं। तो सुन भाई, आपको पता है कि मतलब जो सीमेंट में लोगों के मकानों में दरार पड़ रखी, मतलब वहाँ टूट फूट हो रही, मतलब हाँ। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि हम क्या सरकार को क्या करना चाहिए इसके खिलाफ? इसके खिलाफ करना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप कि बिल्कुल सही होंगे। तो गाइस आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में आजकल क्या चल रहा है। 8 तारीख को पटवारी का पेपर हुआ था और कुछ दिन बाद उसके लीक होने की जो है खबर आ गई, और अब खतरा जो है पुलिस कांस्टेबल के पेपर पर भी मंडरा रहा है। उसके भी जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और उसमें अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, पर इतना ज़रूर कन्फर्म है कि वो पेपर भी ज़रूर बिका होगा। जब पटवारी का पेपर सेफ नहीं है तो वो फिर भी एक कांस्टेबल का पेपर है, उसने तो बिकना ही बिकना है। खैर आगे देखते हैं क्या होता है, कांस्टेबल का रिजल्ट आता है या पेपर दोबारा होता है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी हमें बस अपनी तैयारी पे ध्यान देना है और 22 को जो है फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी है, तो उसमें देखते हैं क्या होता है, पेपर उसी दिन होता है या पीछे जाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी इसमें भी कोई ऐसा आदेश नहीं आया है कि पेपर इस दिन होगा या नहीं होगा, हमें तो अपनी बस तैयारी पर ही ध्यान देना है। यार अब क्या ही बोलें आगे, यार क्या हो रहा है ये उत्तराखंड में ऐसा, मतलब पिछले कुछ महीने पहले भी वीडियो का पेपर जो है लीक हुआ था और अभी पटवारी का पेपर भी लीक हो रहा है। तो अब क्या ही बोलें यार, अब सरकार क्या जी रोके, लीक होते हुए पहाड़ों को रोके या लीक होते हुए पेपरों को रोके, सरकार की भी समझ में कुछ आ नहीं रहा है कि क्या करें। यार सरकार को इसके पीछे कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए यार, इसको बिल्कुल बंद होना चाहिए, ऐसे में मतलब मेहनत करने वाले लड़के पिस जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है, हमें तो बस अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। तो गाइज आप सभी ने अभी बंदी रक्षा का फॉर्म भरा होगा, तो उसका फिजिकल भी पुलिस कांस्टेबल की तरह ही है, सारे कुछ जो जो वहाँ एक्टिविटी हमने वहाँ करी थी वो सारी इसमें भी है, तो उसकी भी तैयारी हम अब फिर से करेंगे। और हमारे हाथ में केवल मेहनत ही है, हम मेहनत करते रहेंगे, जो कमी हमारी उस टाइम फिजिकल में रही है उसको इस बार पूरा करना है, और उसी के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, क्योंकि दोनों चीज़ों को हम साथ लेकर चलेंगे तो काफ़ी ईजी रहेगा। तो गाइस फिजिकल की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। A few moments later. दोस्तों अभी आ गया हूँ मैं अपने गांव की सड़क में, और हम यहाँ आगे पे पुलिस की तैयारी किया करते थे उस टाइम, और उसके बाद बरसात हुई तो यहाँ पे रोड काफ़ी ख़राब हो गई थी और यहाँ पे मतलब टूट फूट हुई, तो हमारा जो लॉन्ग जंप का गड्ढा था वो दब चुका था, तो अभी हम फिर उसको खोदेंगे और फिर से यहाँ पे तैयारी करेंगे बंदी रक्षक और जो आने वाली पुलिस की भर्ती है उसके लिए। तो यहाँ पे हमारे गोलू भाई, ये पिछले हमारे वीडियो में कभी आया होगा, आपने ज़रूर देखा होगा, जो मेरे पुराने व्यूअर हैं, और यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं तो ये हमारे साथ यहाँ पे आए हुए हैं, और ये हमारे रोहन भाई, तो हमने साथ में यहाँ पे तैयारी करी हुई थी, तो अभी ये यहाँ पे बाइक चला रहे हैं, बच्चों को घुमा रहे हैं। तो गाइस अभी आ गए हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी एक गुफा टाइप का था, मतलब उड्यार सा था, जहाँ पे हम मतलब बारिश के टाइम पे यहाँ पे बैठा करते थे, तो बरसात में ये पूरा टूट गया और कुछ ऐसी स्थिति हो रही है यहाँ पे रोड की, तो मतलब यहाँ पे लॉन्ग जंप का गड्ढा था तो वो दब चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे हम तैयारी किया करते थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे ये बच्चे यहाँ पे काफ़ी खुश हो रहे हैं, तो बस यहीं पे हमारा ये लॉन्ग जंप का गड्ढा हुआ करता था जो कि यहाँ पे दब चुका है, यहाँ पे मतलब आपने देखा होगा कि काफ़ी गहरा था यहाँ पे, और यहाँ पे ये बिल्कुल बंद हो चुका है, तो इसको जो है जेसीबी मशीन यहाँ पे जब रोड रिपेयरिंग के लिए आई थी तो उस टाइम पे उसने इसको बंद कर दिया, और यहाँ पे आप तिरपाल के जो अंश हैं वो देख सकते हैं, तो इसके नीचे हमारी वो मिट्टी अभी भी दबी हुई है, और बहुत जल्द हम इसको फिर से खोदने वाले हैं और यहाँ पर तैयारी करेंगे। और यहाँ पर ये गोपाल है, तो जो ये पेपरों में जो धांधली हो रही है इसके लिए हमारा छोटा भाई यहाँ पे प्रियांशु इसके लिए कुछ कहना चाह रहा है, तो दो शब्द यहाँ पे हमारे छोटे भाई के। सरकार को इसके खिलाफ ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वही नौकरी लग सकते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं वो भी नौकरी लग सकते हैं। तो मेरा यही बोलना है, मतलब जिसके जो मेहनत करता है उसकी कभी हार नहीं होती है, पैसे देने वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। तो काफ़ी अच्छे विचार यहाँ पे छोटे भाई प्रियांशु के, तो ये कहना चाह रहा है कि मतलब इसमें जो है मेहनत करने वाले लड़कों का घाटा हो रहा है, और जिसके पास मतलब पैसे नहीं है उसकी नौकरी नहीं लगेगी क्या? तो
अब आगे देखते हैं सरकार क्या क्या करती है। तो गाइज अब हम भी क्या कर सकते हैं, हमारे पास मेहनत करने के अलावा और कोई चारा है नहीं, तो बस हम मेहनत करते रहेंगे, बाकी तो होता रहेगा जो होना है। तो सोन भाई आपको पता है कि मतलब जोशीमठ में लोगों के मकानों में दरार पड़ रखी, मतलब वहाँ टूट फूट हो रही, मतलब हाँ। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि हम क्या सरकार को क्या करना चाहिए इसके खिलाफ? इसके खिलाफ करना चाहिए जहाँ जहाँ टूट फूट है वहाँ सीमेंट लगाना चाहिए और पत्थर भी लगाना चाहिए। अच्छा गीली मिट्टी भी लगाना चाहिए। गीली मिट्टी उससे क्या होगा फिर? उससे भी तो दीवार हट सकती है। अच्छा और आपको पता है कि मतलब परसों पटवारी का पेपर लीक हुआ, हाँ। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में घर पे हमने ना पढ़ाई करनी चाहिए। कितनी पढ़ाई करनी? बहुत, मतलब दिन के कितने घंटे? दिन के रात एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे? 10। 10 घंटे होते हैं एक दिन में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है अभी? मुख्यमंत्री हाँ। श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री? हाँ। नहीं यार, श्री पुक्सर सिंधामी। कौन? श्री पुक्सर सिंधामी। अच्छा ये सही है हाँ। और प्रधानमंत्री? ये अभी नहीं बोला, वो तो मुख्यमंत्री बोला। प्रधानमंत्री भारत के, इससे पहले बोला आपने नरेंद्र मोदी। हाँ बहुत सही सुनी भाई। गाइस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।